न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। मई 1991, 30 साल पहले की वो रात हमें आज भी याद है। बात भोपाल रेलवे स्टेशन की है। हम वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे थे। चेन्नई उस वक्त मद्रास हुआ करता था। वहां से आने वाली एक ट्रेन में हमने दिल्ली लौटने के लिए अपनी बुकिंग करवा रखी थी। ठीक एक दिन पहले 20 मई को पूरे हिंदुस्तान में 10th लोकसभा के इलेक्शन के लिए फर्स्ट फेज के 211 सीटों पर वोटिंग हुई थी। मैं मध्य प्रदेश के दौरे पर था इलेक्शन रिपोर्टिंग करने के लिए। मध्य प्रदेश उस समय अविभाजित था। 40 सीटें हुआ करती थी स्टेट से, उनमें से 28 में पोलिंग हो चुकी थी, 12 बाकी थे। वेटिंग रूम में सामान रखकर हम प्लेटफॉर्म में टहल रहे थे। अचानक हमारे कान खड़े हो गए। कुछ रेलवे के कर्मचारी गुजर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। एक उनमें से कह रहा था, हां भाई, उसने खुद कहा कि मैंने बीबीसी में सुना है राजीव गांधी को मार दिया है दहशतगर्दियों ने, टेररिस्टों ने। इमीडिएटली हम स्टेशन मास्टर के कमरे गए, परिचय दिए तो एंट्री मिल गई। अंदर उत्तेजना और मायूसी के बीच का एक मूड था। एक ट्रांजिस्टर सेट स्टेशन मास्टर के टेबल पर बीबीसी के न्यूज बुलेटिन को ब्रॉडकास्ट कर रहा था। And we are just getting news from Madras that more than an hour ago, India's former Prime Minister Rajiv Gandhi was killed by a suicide bomber. The attack took place a short distance away from the city when he was on his way to address an election meeting. State control of news media ke zamane mein, BBC most reliable broadcaster hua karti thi. उस दिन के 7 साल पहले अक्टूबर 31, 1984 को बीबीसी ने ही हिंदुस्तानियों को इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की पहली खबर दी थी। स्टेशन मास्टर से यह भी पता चला कि हमारी ट्रेन थोड़ी डिलेड है। हर स्टेशन में ट्रेन को रोका जा रहा है, सिक्योरिटी प्रेजेंस बढ़ा दिया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ट्रेन के अंदर जाके चेकिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा रही थी। भोपाल स्टेशन में भी हमने नोट किया कि वेरी क्वाइटली पुलिस प्रेजेंस बढ़ा दी गई थी। धीरे धीरे बात फैल गई। रेलवे स्टेशन में हर पैसेंजर को पता चल गया राजीव गांधी की हत्या हो गई है। शायद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कहने पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर बार बार शांति बनाए रखने के लिए अनाउंसमेंट्स होने लगे। द एम्फेसिस इन दीज डिटेल्स वर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द असैसिन्स वाज नॉट नोन। सबको 1984 की घटनाएं याद थी। उस वक्त इंदिरा गांधी के हत्या के बाद सिख समुदाय को टारगेट किया गया था। इसी वजह शायद लोकल ऑफिसर्स एहतियात बरत रहे थे। भोपाल स्टेशन बहुत बिजी स्टेशन होता है। रात को दक्षिण से बहुत सारी ट्रेन्स पहुंचती हैं ताकि पैसेंजर्स सुबह दिल्ली पहुंच जाएं। तमाम ट्रेन्स की खिड़कियां बंद थी, कोई प्लेटफॉर्म में नहीं उतर रहा था। जिनको चढ़ना था जल्दी से चढ़ जा रहे थे। जब हमारी ट्रेन आई, कोच में सब लोग जगे हुए थे। लोग अपने अपने कानों में ट्रांजिस्टर लगा के
न्यूज सुनने की कोशिश कर रहे थे। खबर आ चुकी थी तब तक राजीव गांधी को हत्या करने वाले शायद श्रीलंकन तमिल्स थे। एज दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द ट्रेन्स, द तमिलियंस ट्रेवलिंग स्टार्टेड वियरिंग वेरी फियरफुल लुक्स। विल दे नाउ बी टारगेटेड लाइक द सिक्स वर इन 1984? दैट वॉज द क्वेश्चन विच वॉज बिगिनिंग टू हॉन्ट देम। हमने एहसास किया राजीव गांधी की जिंदगी और राजनीतिक करियर ठीक उनकी मां की तरह ही समाप्त हो गया था। राजीव's करियर बिगैन अंडर द शैडो ऑफ वायलेंस। विल हिज डेथ टू ट्रिगर अ सिमिलर एक्शन? वी वंडर्ड अबाउट दिस थ्रू आउट द नाइट। ये संयोग ही था कि उनकी हत्या के ठीक 10 साल पहले उन्होंने राजनीति में फॉर्मली कदम रखे थे। 40 साल पहले 12 मई 1981 को उन्होंने अमेठी से अपना लोकसभा सीट के लिए नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे। ये सीट उनके छोटे भाई संजय गांधी ने 1980 में जीता था, लेकिन जून 1980 में एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई थी और तब से ये सीट वेकेंट था। महीनों के अटकलों के बाद राजीव गांधी ने इंडियन एयरलाइंस के पायलट के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। पीएम के रूप में राजीव गांधी वॉज इंडियाज बेस्ट चांस फॉर अ ब्रेक फ्रॉम द पास्ट। उनका नया दृष्टिकोण, पुरानी समस्याओं को नए सिरे से विचार करने की इच्छा, इस सब ने भारत के मिडिल क्लासेस की आशाओं को जगाया था। भारत के बिजनेस कम्युनिटी और यहां तक कि हम लोग मीडिया में भी उनका समर्थन कर रहे थे, क्योंकि वी वर बिगिनिंग टू सी अ डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट। जब राजीव गांधी ने शुरुआत की तो वे कुछ भी गलत नहीं कर सकते थे, बट हाफ वे थ्रू हिज 5 years ही कुड डू नो राइट। राजीव गांधी के कार्यकाल को 2.5 चरणों में बांटा जा सकता है। अफसोस है, हाफ उनका सबसे अच्छा था जो पहला साल था। शेष जो 4 वर्ष थे वो 2 हिस्सों में या उनके 2 पड़ाव थे। इन द सेकेंड एंड थर्ड ईयर हिज बोट स्टार्टेड रॉकिंग। और अंतिम दो 1988 और 89 शुद्ध डिजास्टर के थे। राजीव गांधी के टेन्योर के जो लास्ट के जो 2 साल थे 1988 और 89, दैट वॉज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर, एंड आई मीन पॉलिटिकली। तो अल्टीमेटली राजीव गांधी क्या थे? क्या वे बाबा लोगों के नेता थे? क्या वे एक बहुत दूरदर्शी नेता थे, या फिर ऐसे नेता थे जिन्होंने सांप्रदायिक राजनीति को प्रोत्साहन दिया हो? और वॉज ही वन हु ड्रीम्ड वेरी बिग बट डिड नॉट हैव द वेयरविदॉल टू इंप्लीमेंट एनी ऑफ हिज ड्रीम्स? राजीव गांधी, वी मस्ट रिमेंबर, एज्यूम्ड ऑफिस विद द ब्लड ऑफ द सिख कम्युनिटी ऑन हिज रेजीम, येट ही डिड लिटिल टू इन्वेस्टिगेट द एंटी सिख कार्नेज। इट इज कॉमनली बिलीव्ड दैट कांग्रेस लीडर्स गेव अ गो अहेड टू टीच द सिक्स अ लेसन फॉर इंदिरा गांधी असैसिनेशन। संभवतः उन्होंने जांच प्रोएक्टिवली नहीं करवाई क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उनके कुछ एसोसिएट्स पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए जा सकते हैं। सो ही डाइवर्टेड अटेंशन एंड इन अ टियरिंग हरी साइंड अकॉर्ड्स इन पंजाब, असम एंड मिजोरम। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड अ स्टेट फ्रॉम अ यूनियन टेरिटरी। असम में स्थिति कुछ समय के लिए नियंत्रित में रही, लेकिन पंजाब में संत
हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ समझौता होने के कुछ ही महीनों के अंदर स्थिति बिगड़ने लगी जब उनकी हत्या हो गई। फिर से दहशतगर्दियों ने स्वर्ण मंदिर पर धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू कर दिया और वायलेंस प्रोग्रेसिवली पूरे पंजाब स्टेट और उसके बाहर भी बढ़ने लगा। मई 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर बहुत सक्सेसफुल हुआ, स्वर्ण मंदिर को फर्दर डैमेज से बचाया गया और मिलिटेंट्स ने स्वर्ण मंदिर के अंदर से सरेंडर कर दिया। बट दिस वॉज नॉट फॉलोड अप एडिक्वेटली एंड एज अ रिजल्ट टेररिज्म लिंगर्ड ऑन टिल 1996 एंड इट इवन टुक द हेड ऑफ द चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह। राजीव गांधी ने इलेक्ट होने के बाद ये कहकर लोगों के दिल को जीत लिया था कि वे पावर ब्रोकर्स को कांग्रेस से पर्ज कर देंगे, बट ही एंडेड अप बीइंग गाइडेड बाय द सेम लॉट ऑफ व्हाट कैन बी कॉल्ड इन हिंदी एज सत्ता के दलाल। वे मिलिट्री हार्डवेयर का आधुनिकीकरण करना चाहते थे, बट मिलिट्री एक्विजिशंस बिकेम हिज नेमेसिस एज वन करप्शन स्कैम आफ्टर अनदर started surfacing after 1986. बोफर्स सौदे में घूस लेने का आरोप इतने तीखे हो गए कि वे आज भी उनकी पार्टी का पीछा करते हैं। एकॉर्ड्स की बात अगर हम करें तो जरूरी है इंडो श्रीलंका एकॉर्ड की भी बात करना जो जुलाई 1987 में साइन की गई थी। इसके तहत इंडियन आर्मी ने अपने फोर्सेस भेजे थे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के नाम से और बहुत कैजुअल्टीज सहनी पड़ी थी। हिंदुस्तान के एक जमाने के फॉरेन सेक्रेटरी जे एन दीक्षित, जो श्रीलंका में हाई कमिश्नर भी थे, उन्होंने इस एकॉर्ड को डिजास्टर फॉर इंडिया कहा था। द बॉच्ड मिशन अर्न्ड फॉर राजीव गांधी लाइफ लॉन्ग एनमिटी ऑफ द LTTE and this eventually led to his assassination. ऐसा नहीं है कि राजीव गांधी ने कुछ अच्छा काम किया ही नहीं। अगर हम उनके political balance sheet को बनाएं तो उसमें positives भी मिलेंगे और negatives भी मिलेंगे, शायद मात्रा लगभग similar सी होगी। राजीव गांधी पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत और भारतीयों को एक डिस्टेंट फ्यूचर के टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस के बारे में अवगत कराया। हिंदुस्तान में उनके लीडरशिप में कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन और कंप्यूटर्स का डेली लाइफ में एडवेंट बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे। सोच के बहुत अजीब लगता है कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तब हिंदुस्तान में टेलीडेंसिटी लगभग ना के बराबर थी। देखते ही देखते ऑल इंडिया एसटीडी नेटवर्क फैल गया। द आइडिया ऑफ प्रीपेड आउटस्टेशन कॉल्स वॉज एक्चुअली अ ग्लोबल फर्स्ट। लाइकवाइज इट माइट हैव बीन रिडिक्यूल्ड इनिशियली बट राजीव गांधी प्रोवाइडेड द आइडिया that India must prepare for the 21st century. Rajiv Gandhi ke liye 21vi shatabdi ke liye taiyari mehaj ek metaphor tha janta ko technology ki mahatva ko samjhane ke liye. Politically Rajiv Gandhi ne kai mahatvapurn kadam liye. His attempts at introducing the panchayati raj system failed because of opposition which blocked its passage in the Rajya Sabha. Yet it was picked up by the National Front government when it was in office the next year and the after that. Eventually P.V. Narasimha Rao enacted the law, but the original vision had been Rajiv Gandhi's. Likewise, the anti-defection law, despite the shortcomings, even after the amendment in 2003, was a very important effort in the
area of preventing horse trading among political parties. Ek alag environment ministry, education, water aur forest policies ka formulation jaise kai initiatives par ghanton behas ho sakti hai. Khaas taur se mahatvapurn baat thi shiksha se jude hui tamam jo issues the unko ekatrit karkar ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री करके एक कंबाइन बहमौत खड़ा किया गया था. द रीजन वॉज दैट एजुकेशन कुड नॉट बी एंड शुड नॉट बी सीन इन आइसोलेशन. लेकिन एचआरडी को फिर से ब्रेकअप कर दिया गया है. एजुकेशन को एक सेपरेट मिनिस्ट्री दोबारा अगस्त 2020 में बना दिया गया है. पैंडेमिक पीरियड में बहुत कम कंसल्टेशन के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी रोल आउट कर दी गई है. राजीव गांधी के अगर हम विजनरी जो इनिशिएटिव्स थे उनकी हम तारीफ करें तो हमें उनके जो कम्युनल पॉलिटिक्स को जो प्रोत्साहन दिया और जिस तरह से उसको मेन स्ट्रीमिंग हुई उसके लिए भी उनको उतना ही दोषी मानना चाहिए. 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में एक पाथ ब्रेकिंग और प्रगतिशील जजमेंट डिलीवर किया था. लेकिन मुस्लिम समुदाय के कंजर्वेटिव फोर्सेस ने इसका विरोध किया और उनके दबाव में आकर उन्होंने इस जजमेंट को नलीफाई कर दिया. जब हिंदू नाराज हुए तो उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनने के प्रोसेस को फैसिलिटेट किया और जो बाबरी मस्जिद लॉक थी उसके ताले खुलवाने में मदद किया. अल्टीमेटली 1989 तक द कांग्रेस लॉस्ट ऑल इट्स वोट बैंक्स. इट हैड नो वोट बैंक्स अमंग द हिंदूज, द मुस्लिम्स और द दलित्स. इट वाज द बीजेपी विच गेन्ड एंड इट बिगैन इट्स जर्नी टू वेयर इट इज नाउ. राजीव गांधी के बारे में कहा जा सकता है कि वो इंसान तो बहुत अच्छे थे लेकिन इतिहास में सबसे बड़ा इलेक्टोरल मैंडेट को उन्होंने गंवा दिया. क्या आपको अभी हिंदुस्तान में कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है? नमस्कार.